दोस्तों, जब भी हम लोग काम सीखने जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम पाइप का फिटर का काम सीख रहे हैं, पाइप फिटर का या पाइप फैब्रिकेटर का जो भी है, तो जब भी हम लोग स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए जब हम लोग हेल्पर से किसी प्लांट में या कहीं पे जाते हैं, काम सीखने जाते हैं, तो हम लोग का ड्राइंग को लेके हमारे मन में बहुत सारा सवाल होता है कि इसको जो हम लोग ड्राइंग को कैसे रीड करें, कैसे पढ़ें, कैसे इसको टेम्पलेट बन करें, क्या क्या ड्राइंग में देता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग के पास बहुत सारा सवाल आता है। लेकिन इसका थोड़ा सीखने में आपको बहुत टाइम लगता है। दूसरी बात ये कि जब भी हमारे हाथ में ड्राइंग आता है, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार के हमारे हाथ में अगर ड्राइंग आता है, तो जैसे उसमें रोलिंग होता है या नॉर्मल ड्राइंग भी आता है, जब भी हम लोग टेम्पलेट बेंड करने जाते हैं, तो सबसे पहले ये हम लोग के मन में ज़्यादा ही सवाल आ जाता है कि इसका कैसे बेंड करें। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को यही बताएंगे कि आप लोग किसी भी ड्राइंग का टेम्पलेट कैसे बेंड और कितना इजी तरीके से आप बेंड कर सकते हैं, ये चीज़ें हम आप लोग को इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा कि टेम्पलेट किसी भी ड्राइंग का, किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, अगर आप टेम्पलेट बेंड कर रहे हैं तो कैसे बेंड करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं आपको डायग्राम पे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि टेम्पलेट इसका कैसे बेंड करते हैं। सो इसका नॉर्थ इधर दिया हुआ है, जो कि इस कॉर्नर में आ रहा है, ठीक है। तो इधर मैं नॉर्थ लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में आसानी हो। अगर ये नॉर्थ है तो आपका ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉर्नर आपका ईस्ट हो गया, ओके। और ये कॉर्नर आपका साउथ हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉर्नर आपका वेस्ट हो जाएगा, ये वाला आपका वेस्ट हो जाएगा, ताकि आप लोग थोड़ा ईजी से समझ सकें, ओके। इसके लिए मैं ये लिख दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। तो चलिए इसका टेम्पलेट हम लोग बेंड करते हैं। तो टेम्पलेट में क्या है कि आप यहाँ से भी टेम्पलेट बेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी बेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपका स्टार्ट करता हूँ टेम्पलेट बेंड करना। तो सबसे पहले मेरा लाइन किधर जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लाइन हमारा यहाँ से इधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, जो कि ईस्ट में इधर लिख के रखता हूँ, ओके। तो ये मेरा ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि आप जो हैं किधर अपना ईस्ट मानते हैं, जैसे अपने बॉडी के किस साइड में आप ईस्ट नॉर्थ जो भी है आप मानते हैं। तो जैसे कई लोग होता है कि सामने की तरफ नॉर्थ मानते हैं, कई लोग होता है कि अपना लेफ्ट साइड में नॉर्थ मानते हैं। लेफ्ट साइड में नॉर्थ मान के ये ड्राइंग टेम्पलेट बेंड कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए अभी ईस्ट में जा रहा है, तो ये ईस्ट में जा रहा है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा जो ईस्ट है हम उसको ईस्ट की तरफ बेंड कर लेंगे, ओके। तो मेरा सामने ईस्ट आ रहा है, तो मैं सामने इसको बेंड टेम्पलेट कर दे रहा हूँ, ओके। अभी नेक्स्ट हमारा जो जा रहा है ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो मैं अपने नॉर्थ में मैं मान के चला हूँ, तो मैं आपको अपने नॉर्थ में तरफ ये बेंड कर लूंगा, जो कि मेरा लेफ्ट में। तो इसको सिंपली आप ऐसे बेंड कर लें, ठीक है। एक 90 का आपका शेप तैयार होगा, ओके। इसके बाद से आपका टेम्पलेट जो है वो अप के तरफ जा रहा है, ओके। ये अप में जा रहा है, तो आप इसको सिंपली आप यहाँ से इसको ऐसे अप में बेंड कर लें, ओके। इसको अप में ऐसे बेंड कर लें। अभी फिर आप देख सकते हैं, तो देखिए जैसे आप यहाँ पे एल्बो काउंट कर सकते हैं, एक एल्बो, दो एल्बो, एक एल्बो ये हो गया, दूसरा एल्बो आपका ये हो गया, अभी तीसरा एल्बो जो है आपका ये नॉर्थ के तरफ गया। तो इसको कहाँ बेंड करेंगे, आप सबसे पहले नॉर्थ के तरफ बेंड करेंगे, ओके। तो ये मेरा नॉर्थ के तरफ बेंड हो गया, क्योंकि ये लाइन का सेम नॉर्थ के तरफ जा रहा है, ये भी सेम नॉर्थ के तरफ जा रहा है, तो ये वाला हमारा और ये वाला हमारा सेम एक ही जैसा होगा, तो ये भी नॉर्थ के तरफ मैंने बेंड कर लिया, ओके। इसके बाद से फिर मेरा लाइन अप हो रहा है, तो यहां से आप फिर से एक बार ऐसा अप कर देंगे, लाइन आप यहां पे अप कर लेंगे, ओके। तो ये अप हो गया, क्योंकि ये अप हो रहा है, यहां भी अप हो रहा है, तो आपका दो लाइन अप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अप हो गया, अभी फिर आपका ये नॉर्थ के तरफ जा रहा है। तो सिंपल है कि ये भी ऐसा ही आप बेंड कर लेंगे, क्योंकि ये से ये वाला नॉर्थ में जा रहा है, ये भी नॉर्थ जा रहा है, ये भी नॉर्थ जा रहा है, तो हमारा ये तीन नॉर्थ में हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद ये लाइन आपका वेस्ट में जा रहा है, तो वेस्ट में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सामने ईस्ट मान रहे हैं, तो हमारा वेस्ट हमारे हमारे पीछे साइड में होगा, तो उसको हम लोग सिंपल इसको ऐसा बेंड कर लेंगे, जो कि हमारा लाइन हो ये वेस्ट में चला गया, ठीक है। अभी फिर इसका लाइन अप में जा रहा है, तो यहाँ से आप सिंपली आप इसको ऐसा अप कर सकते हैं,
तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर आपका लाइन ये साउथ में चला जा रहा है, ठीक है। तो साउथ आपका किधर जा रहा है, जब इधर आप लेफ्ट में आप नॉर्थ मार रहे हैं तो राइट में आपका साउथ होगा। तो सिंपली आप यहां से आप इसको ऐसा बेंड कर सकते हैं, जो कि ये लाइन आपका साउथ में चला गया। अभी साउथ के बाद ये एल्बो एक लगा है, फ्लांज डाउन हो रहा है, तो यहां से आप सिंपली इसको ऐसा डाउन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक एल्बो दो तीन चार पाँच छः सात एक आठ एक नौ एल्बो लगा है, तो हमारा नौ बेंड तैयार होगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक नौ, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग किसी का भी टेम्पलेट हम लोग इससे पेंट कर सकते हैं। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं सही वीडियो जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए